बुक से सेकंड पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। तो लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इस पोयम के जरिए जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक आइडिया देना चाहते हैं। वो आइडिया क्या है कि दो ग्रुप ऑफ पीपल है। एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब अर्थ का जो कोर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, वो इतना हीट अप हो जाएगा कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल सा होगा। तब क्या होगा, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ये अपना व्यू पॉइंट है कि वर्ल्ड ऐसे डिस्ट्रॉय होगा, वहीं दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो बोलते हैं कि सम से इन आइस, हो सकता है कि ये वर्ल्ड का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि वहाँ पे भी कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ना कर पाए। तो उस रीजन से भी क्या होगा, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का दो तरीका है, क्या तो बाय फायर या फिर बाय आइस। ठीक है, यहाँ तक चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फिर लेखक बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ, डिज़ायर तो यहाँ पे क्या है कि पोएट ने कंपेयर किया है इस फायर और आइस को एक एक ह्यूमन इमोशंस के साथ में। ठीक है, फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर के साथ, और आइस को क्या चीज़ के साथ कंपेयर किया है वो सेकंड स्टेंजा में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि फायर का कंपैरिजन किया गया है डिज़ायर के साथ। डिज़ायर का मतलब पता ही होगा, कोई चीज़ पाने की चाह। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो हम उसके साथ खड़े होंगे जो फायर को फेवर करते हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि डिज़ायर जो है, कोई चीज़ पाने का चाह है, इंसान का जो ग्रीड है वो कभी एंड नहीं होता है, और उस वजह से ये ठीक फायर की तरह ये पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है यहाँ तक, तो चलिए अब हम लोग शिफ्ट करते हैं सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा में देखिए क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को परिश का मतलब नीचे लिखा गया है डाई, अगर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का दोबारा मौका दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए अर्थ को कि अगर तुम एक चांस और दिया जाए डिस्ट्रॉय होने का इस वर्ल्ड को, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो ईट है ना, ईट, इफ़ ईट हैड, तो ईट जो है, ईट का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर दोबारा मौका मिले इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो लेखक बोलते हैं कि अगर दोबारा मौका दिया जाए तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि हेट भी, ठीक है, मुझे हेट भी, मैं हेट को भी अच्छे से जानता हूँ, हेट्रेड मतलब नफरत जो है, ये भी इक्वली कैपेबल है ठीक आइस की तरह, और ये भी ग्रेट है, और ये भी सफाई, सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट, ये भी इक्वली सफिशेंट होगा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइस है, आइस का कंपेरिजन किसके साथ किया गया है, हेट्रेड के साथ में, फायर का डिज़ायर के साथ, आइस का हेट्रेड के साथ। हेट्रेड हो सकता है टुवर्ड्स एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी के खिलाफ भी हेट्रेड हो सकता है। तो कोई भी हेट्रेड हो वो हमें क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय करने में इक्वली कैपेबल है। ठीक है, तो बस यही था ये पोएम। तो इस पोएम के जरिए पोएट आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये डिज़ायर और हेट ये दोनों ही वर्ल्ड का सर्वनाश का काल मतलब रीज़न है। ठीक है, इस वजह से ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। तो बस इतना ही था ये पोएम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम का। तो राइमिंग स्कीम आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फायर, तो फायर जैसे साउंड को हम लोग ए देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कहीं है फायर जैसा साउंड आइस तो नहीं होगा, डिज़ायर, तो डिज़ायर में भी हो जाएगा ए, फिर से फायर, तो फिर से ए, ट्वाइस हेट आइस ग्रेट सफाइस, अब फायर जैसा वर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइस आया नया साउंड, तो इसके लिए हम लोग देते हैं बी, तो आइस जैसा कहाँ पे है, ट्वाइस, यहाँ पे भी हो गया बी, फिर आइस यहाँ पे भी बी, और ग्रेट और सफाइस यहाँ पे भी बी। ठीक है, और ये बचा हेट, तो हेट के लिए अगर हम सी दे तो यहाँ पे ग्रेट, ग्रेट के लिए भी सी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए, फिर हो गया आपका ए बी सी, और फिर बी सी बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे पोएटिक डिवाइस के ऊपर। तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है हमारा वो है ये एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में अगर दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का साउंड सेम हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एलिटरेशन है। जैसे कि वर्ल्ड विल, ठीक है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है और दोनों का जो इनिशियल साउंड है वो सेम है, वर्ल्ड विल, वह, ठीक है, वैसे यहाँ पे सम से स स साउंड आ रहा है, तो यहाँ भी एलिटरेशन यूज़ हुआ है। और कहीं है ये फेवर फायर, तो एफ साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। ठीक है यहाँ तक,
चलिए, ये हो गया पहला पोएटिक डिवाइस। दूसरे पोएटिक डिवाइस से हम लोग मूव करेंगे अब। दूसरा पोएटिक डिवाइस है हमारा असोनेंस। असोनेंस क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ लाइन। अगर ये लाइन को आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे होल्ड, डोज, हु, फेवर, ओ साउंड कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है, ओ साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एक वॉवल है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, असोनेंस, ठीक है। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता तो हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंस। आगे के पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे, फिलहाल इस लाइन में पोएटिक डिवाइस है असोनेंस, ठीक है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ये हो गया दूसरा। अगर तीसरे पे हम लोग मूव करें तो तीसरा है हमारा एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है कि मान लीजिए ये दो लाइन है, दोनों लाइन का इनिशियल वर्ड देखिए, वर्ड या फिर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि दो वर्ड यहाँ पे, तो सम से दोनों का इनिशियल वर्ड या फिर एक्सप्रेशन सेम हो तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो है वो है एनाफोरा, ठीक है, तीसरा हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं चौथे पे। चौथा आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। थ्रू आउट द पोएम में ये फायर एंड आइस को बोला गया कि दोनों डिस्ट्रॉय कर देगा, ग्रेट है, तो उसको पर्सोनिफाई किया गया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन थ्रू आउट द पोएम पोएटिक डिवाइस है, ठीक है, चौथा हो गया। अब हम मूव करते हैं पांचवे पर। पांचवा आपका हो जाएगा एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट क्या होता है, आप देखिए ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, तो फर्स्ट लाइन से जब सेकेंड लाइन में मूव कर रहे हैं ना, तो फायर के बाद कोई पंचुएशन मार्क यहाँ पे नहीं है, आइदर फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है इस लाइन से इस लाइन में, एंजॉयमेंट है, ठीक है। सिमिलरली डिजायर से फायर में जब मूव कर रहे हैं तो डिजायर के यहाँ पे ना कोई कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एंजॉयमेंट। और कहीं होगा एंजॉयमेंट, ये रहा, हेड से आइस में आ रहे हैं तो एंजॉयमेंट, आइस से ग्रेट में जा रहे हैं तो एंजॉयमेंट, ग्रेट से सफाइस में जा रहे हैं तो एंजॉयमेंट, बस। तो इतना पोएटिक डिवाइस हो गया।